श्रेयस अय्यर ने उतारे लियोनेल मेसी की नकल, आईपीएल जीतकर किया उनका यह खास सेलिब्रेशन। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने रविवार को 26 मई को चेन्नई में हुए फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएस को विकेट से हराकर 10 साल बाद आईपीएल का खिताब तीसरी बार जीत लिया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 2024 के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया और एक दशक बाद खिताब जीतकर फैंस को खुश कर दिया। अय्यर जिन्होंने पहले 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को उनके पहले फाइनल में पहुंचाया था, उन्होंने जश्न में फुटबॉल का तड़का लगाया। बता दूं कि उन्होंने फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फीफा वर्ल्ड कप के जश्न की नकल की। जब श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह से ट्रॉफी मिली तो वे धीरे धीरे अपने साथियों की तरफ चलने लगे और उन्हें थोड़ा रुकने का इशारा किया। जल्द ही केकेआर के खिलाड़ियों को अंदाजा हो गया और वे अय्यर से थोड़ा दूर चले गए। अय्यर ने थोड़ी दूरी तय करने के बाद ट्रॉफी उठाई। उनके साथ सबसे आगे सुनील नरेन, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल और हर्षित राणा थे। बता दूं कि श्रेयस अय्यर के लिए 3 महीने में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। उन्हें खराब फॉर्म के चलते भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। उनकी पीठ में बार बार परेशानी हो रही थी, साथ ही इस बार बीसीसीआई ने उन्हें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया था। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी नॉकआउट मुकाबले में मुंबई को 42वां खिताब दिलाने में मदद की। इसके बाद वह आईपीएल में आए और यहां भी छा गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरी बार 1 महीने पहले 26 अप्रैल को मैच गंवाया था। उसके बाद से उन्होंने खेले गए 8 मैचों में से 6 मैच जीते हैं, जबकि 2 बार बारिश के कारण से मैच रद्द हो गए थे। फाइनल में केकेआर ने बेहतरीन खेल दिखाकर अपना आईपीएल का तीसरा खिताब अपने नाम किया। वैसे आपका क्या कहना है केकेआर के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में, कमेंट करके बताइए। आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।